नमस्ते स्टूडेंट, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर विजन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, फिर आज हम एक नई टॉपिक आपके लिए लाए हैं जो अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी पिछले टॉपिक जो पढ़ाया गया था पर्सनल रियल नॉमिनल, उसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था कि सिस्टम पर कैसे उसकी एंट्री पास की जाती है, टैली पर उसकी एंट्री कैसे करेंगे। आज हम फिर उसके अगले टॉपिक के बारे में चलेंगे, यानी परचेज क्या होता है, परचेज कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, परचेज क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, इसका एग्जाम्पल कैसे होता है, इसका एक्सप्लेन क्या कैसे किया जाता है कि परचेज किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो बहुत जगह हर जगह एक छोटा सा शब्दों में आपसे पूछा जाता है कि परचेज किसे कहते हैं, परचेज क्या होता है। ज्यादातर किसी को हम इंटरव्यू के लिए कहीं भेजते हैं तो छोटा सा वस्तु भी ऐसा कॉमन क्वेश्चन पूछ देते हैं, ऐसा लगता है ये क्या, लेकिन उससे भी इसका भी डिफिनेशन देने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो पहले देखा जाए डिफिनेशन ऑफ परचेज का, एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे, इसको कैसे बताएंगे परचेज किसे कहते हैं। एक छोटा सा डिफिनेशन आपके सामने स्टूडेंट है, परचेज क्या होता है। तो यहाँ पे पहला डिफिनेशन है, गुड्स परचेज्ड आर कॉल्ड परचेज्ड व्हेन गुड्स परचेज फॉर कैश दे आर कॉल्ड कैश परचेज। यानी स्टूडेंट जो ये कह रहा है कि यहाँ से ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि गुड्स परचेज आर कॉल्ड परचेज व्हेन द गुड्स परचेज फॉर कैश दे आर कॉल्ड कैश परचेज। यानी जो वस्तु हम तत्काल पैसा दे के खरीदते हैं उसको हम नगद खरीद यानी कैश परचेज कहते हैं। अगेन जो टॉपिक दिया हुआ है आपके सामने स्टूडेंट दिया हुआ है कि बट इफ दे आर परचेज फॉर विच पेमेंट विल हैव टू बी मेड एट सम फ्यूचर डे इट इज नाउ एज क्रेडिट परचेज। यानी जिस चीज का भुगतान हम कुछ दिनों बाद कुछ महीनों बाद कंपनी को या जिसका पेमेंट करते हैं उसे हम क्रेडिट परचेज यानी उधार खरीद कहते हैं। तो देखा जाए तो परचेज का दो भाग होता है स्टूडेंट, एक कैश परचेज होता है एक क्रेडिट परचेज होता है। तो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, इसका एग्जांपल देखिए कि कैश परचेज का एग्जांपल क्या होता है। यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैश परचेज, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है गुड्स परचेज फॉर कैश, इसका मतलब है कि नगद माल आपने खरीदा। इसकी जनरल एंट्री आप कैसे करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी नगद माल खरीदा, आपके पास माल आया और कैश गया, इसका नरेशन आप लिखेंगे बींग गुड्स परचेज फॉर कैश। तो ये हो गया कैश परचेज का एग्जाम्पल। दूसरा देखिएगा क्रेडिट परचेज का एग्जाम्पल स्टूडेंट, तो दूसरा एग्जाम्पल है क्रेडिट परचेज। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना एंड सन्स ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 15,000, यानी 15,000 का माल मैंने खन्ना एंड सन्स से खरीदा। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट, आपके सामने है परचेज अकाउंट डेबिट टू खन्ना एंड सन्स, इसका नरेशन लिखिएगा बींग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम खन्ना एंड सन्स ऑन क्रेडिट। ओके, तो ये इसकी एक जनरल एंट्री हो गई। तो ये आपको स्टूडेंट समझ में आया कि कैश परचेज और क्रेडिट परचेज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इसके ये दोनों डिफिनेशन आप ध्यान से रखिए, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज क्या होता है, इसका डिफिनेशन पॉइंट बाय आप नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे। तीसरा एक्सरसाइज आपको दिया जाता है जो घर बैठ के आप इसको ट्राई कीजिएगा कि फॉर सम एग्जाम्पल एक्सरसाइजेज इसको बनाइएगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैश परचेज और क्रेडिट परचेज में क्या फर्क होता है। तो एग्जाम्पल पहला आपके सामने है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑफ रुपीज 5,000, इसको बनाइएगा आप लोग। गुड्स परचेज फॉर कैश ऑफ रुपीज 1,200, इस क्वेश्चन को बनाइए। एंड तीसरा गुड्स परचेज फॉर बैंक ऑफ रुपीज 4,000, इसको भी आप बनाइए। चौथा क्वेश्चन रहेगा गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 6,000, इसको बनाइए। पांचवा एक्सरसाइज आपके लिए गुड्स परचेज फॉर कैश गुड्स परचेज फॉर रुपीज 8,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन। जब ये पांच एक्सरसाइज दिया गया है तो जो एग्जांपल मैंने आपको दिया ऊपर कैश और क्रेडिट के बारे में इसको स्टडी करिए, ठीक है। और ये इक्वल हो गया कि कैश और क्रेडिट परचेज क्या होता है। आशा है स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि परचेज अकाउंट क्या होता है और परचेज कितने प्रकार के हो
होते हैं। तो एक एक वीडियो स्टूडेंट शुरू से के अंत तक वीडियो को देखिए, क्योंकि हर वीडियो आपके एग्जाम यानी जो टैली की एक जॉब के लिए यानी किसी भी अकाउंट क्षेत्र में अगर जॉब करना चाहते हैं तो ये टॉपिक हर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे जो टॉपिक है एक कोर्स बाई सारे कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने इसके दिया हुआ है। शुरू से अंत तक हर टॉपिक को ध्यान से देखिए और उसको उसका प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करिए। जो चीज ना आए उसे आप कमेंट्स भी करिए, जिसे हम दोबारा दोबारा उसको रिपीट करके आपको समझाएंगे कि उसकी एंट्री या उसका मतलब क्या होता है। तो अगर आज का स्टूडेंट आशा है कि वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।